शेयर करूंगी कि क्या क्या आया है वहां से। ऐसे इस थैले में लेके आई है, ये प्रिंट बहुत प्रिटी लगा। ये देखिए एक ऐसे वो वाटरमेलन के काइंड ऑफ वो जो होते हैं ना, तो ये मुझे बहुत, जैसे कि सबको पता है कि अभी गर्मी आ रही है तो गर्मियों के लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट है, मतलब ये जो स्टफ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये एक डिफरेंट सी वीडियो है। मैं डिफरेंट सी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक हॉल है, कतरन मार्केट हॉल, दिल्ली में है। एग्जैक्ट एड्रेस मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक्चुअली मेरी सासू माँ गई थी वहाँ पे किसी के साथ, तो ऐसे ही घूमने के लिए, तो वो मेरे लिए वहाँ से कुछ कपड़े वगैरह लेके आई हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या आया है वहाँ से, ऐसे इस थैले में लेके आई हैं। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या क्या आया है, ठीक है? तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो वहाँ पे आपको बहुत तरह का स्टफ़ मिलेगा, कोई भी एम्ब्रॉयडर्ड स्टफ़ आपको लेना है, जैसे लहंगों के लिए अलग अलग तरह का स्टफ़ आता है, मतलब बहुत तरह का, कोई सीक्वेंस का स्टफ़, कुछ भी आपको कुछ भी खरीदना आपको वहाँ पे आराम से अवेलेबल हो जाएगा, और बहुत ही जेन्युइन प्राइसेस में, होलसेल के प्राइसेस में काइंड ऑफ ऐसे, ठीक है? और वहाँ पे ना ऐसे नीचे मार्केट लगी रहती है, शॉप्स भी हैं, मतलब अलग अलग तरह की है, जैसे एक तरह से नीचे भी लगी रहती है मार्केट्स और शॉप्स भी हैं। तो आपकी मर्जी आपको कहाँ से ख़रीदना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो मैं आपको वन बाय वन करके दिखाती हूँ कि मेरी सासू माँ क्या लेके आई हैं वहाँ से मिल दी। ऑफकोर्स है कि प्राइसेस मैं आपको बताती भी जाऊँगी और नीचे मेंशन भी कर दूँगी ताकि आपको आसानी रहे पता करने में। तो ये है पहला, ये है मतलब ये कुछ कॉटन का है स्टफ़, ठीक है? ये दोनों ही कॉटन के हैं, तो ये है कुर्ते के लिए और ये है नीचे के, कुछ भी आपको प्लाजो सलवार कुछ भी बनवाना है, पैंट्स बनवानी है, स्टफ़ बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये जल्दी ख़राब भी होने वाला नहीं है और श्रिंक भी होने वाला स्टफ़ नहीं है। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि श्रिंक होने वाला स्टफ़ है, पर ये वाला जो स्टफ़ है वो बहुत अच्छा है। तो ये ग्रे कलर का कुर्ता है, पिंक इसके साथ बॉटम है, इन दो, ये मैंने आपको बता दिया कि ये 5 मीटर्स है और इन दोनों का टोटल प्राइस है 350 रुपीज, ठीक है? मतलब उन्होंने 350 रुपीज में ये दोनों चीज़ें परचेज की हैं, ठीक है? तो मुझे ये तो अच्छा लगा। यहाँ पे हम लेते हैं तो 100 रुपये मीटर तो होता ही है, तो कम से कम 500 रुपये का मतलब आएगा ये अगर मैं यहाँ से परचेज करूँगी। तो ये वाला तो मुझे, ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा प्रेटी लगा, तो मैंने सबसे पहले दिखा दिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टफ की ओर। तो ये भी सिमिलर सा ही है, कुछ काइंड ऑफ की जैसे कुर्ता और बॉटम का कपड़ा है। तो ये है जैसे कुर्ता, पैरेट कलर बहुत अच्छा लग रहा है, और ये है इसके साथ ब्लू कलर की बॉटम है, पैरेट कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगे। तो इन्हें मैं कुछ मतलब डिज़ाइन करके इन कुर्तों को मतलब ऐसे कुछ बनवाऊँगी, और ये बॉटम के लिए कपड़ा है, तो मैं देखती हूँ मैं इन्हें कैसे बनवाऊँगी। मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली वो भी शेयर कर दूँगी कि मैंने कैसे बनवाए हैं। मीटर है मतलब 2.5 मीटर है दोनों, और ये 5 मीटर है, और इसका भी जो रेट है वो 350 रुपये है, ठीक है? तो अभी चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो ये है मेरे पास यहाँ पे, ये भी बहुत प्रीटी है, ये देखिए आप कितना ही प्रीटी है ना, ये कुछ इस पर चिकनकारी बोलते हैं ऐसा कुछ वर्क है, और ये लाइनिंग में है स्टफ़, और ये भी प्योर कॉटन में, ये सारे प्योर कॉटन में है, तो बहुत अच्छे लगे मुझे। तो जैसे कि सबको पता है कि अभी गर्मी आ रही है, तो गर्मियों के लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट है, मतलब ये जो स्टफ़ है ये भी बहुत ही मतलब कॉटन है, सॉफ्ट सी कॉटन है, और ये भी श्रिंक होने वाला कपड़ा नहीं है। ये 3 मीटर्स है, आई थिंक ये उन्हें एक तरह से कट पीस में मिला था, वो सब उन्होंने कटवा के मतलब एक तरह से थान में से कटवाए हैं, और ये उन्हें कट पीस में से मिला था, तो शायद ये वाला उन्हें पड़ा है 200 रुपीज़, ये 3 मीटर है, हाँ ये तो 200 रुपये का है 3 मीटर, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो नेक्स्ट वो लेके आए हैं वहाँ से मेरे लिए एक कुर्ता, कुर्ता ये स्टिच्ड है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं ये किसी ब्रांड का है, ठीक है? इस पर मैंशन है, तो ये भी मुझे बहुत प्रिटी लगा, ये ऐसे ना फ्लेयर्ड है, जैसे इस पर ना कलियाँ बनी हुई हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये कुर्ता। और मैं आपको पहन के तो नहीं दिखा पाऊँगी अभी से, बट आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको ये ट्राई करूँगी कि मैं आपको पहन के दिखा दूँ, बस ये सिंपल है, इस पर पूरे पे आगे बटन्स हैं। तो ये इसका प्रिंट देख लीजिए, ये भी कॉटन में है, बहुत ही सॉफ्ट सा है कपड़ा, ये भी बहुत प्रिटी लग रहा है ये वाला भी। तो ये शायद उन्हें, हाँ ये 150 रुपये में मिला था, हाँ वो जो वो वाला है, वो वाला कपड़ा है वो उन्हें 200 रुपीज़ में 200 रुपये में मिला था, ये वाला जो कुर्ता बना बना है ये 150 रुपये में मिला था, और इस पर कलियाँ बनी हुई हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आगे की तरफ ही हैं सिर्फ कलियाँ, और ए शेप में है ये, मतलब ऐसे स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा ए शेप में है ये कुर्ता। कुर्ता भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो उन्होंने मेरे लिए आगे कुछ प्लाजो खरीदे हैं, प्लाजो जैसे गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में सलवार वगैरह तो भाई पहननी मुश्किल हो जाती है, और पैंट्स भी थोड़ा गर्मी में थोड़ा होता ही है, मुझे तो लगती है भाई बहुत गर्मी। तो उन्होंने ये मेरे लिए प्लाजो खरीदे हैं,
रियॉन कॉटन में है ये कपड़ा, सॉफ्ट होता है रियॉन कॉटन का, थोड़ा जल्दी खराब हो जाता है एज कम्पेयर टू कॉटन, बट बहुत सॉफ्ट होता है, गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है रियॉन कॉटन, मतलब ज़्यादा सीजन, एक दो सीज़न ही चल पाता है, बट स्टिल बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये है एक, ये कलर का प्लाजो है वो जो लेके आए हैं मेरे लिए, और एक ये है क्रीम कलर का। जो ये दोनों प्लाजो हैं इनका रेट है 100-100 रुपये ही है। तो चलिए लास्ट एक प्लाजो रह गया है, वो है ये प्लाजो, ये प्रिंटेड प्लाजो है, ये प्योर मतलब कॉटन में है, वो वाले जो थे वो रियॉन कॉटन में थे, देख सकते हैं आप ये कॉटन में है। एक्चुअली ना ये थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चलते हैं जो कॉटन वाले होते हैं, जो रियॉन कॉटन होता है ना वो इतना ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाता, क्योंकि वो कपड़ा बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी फट जाता है, क्योंकि मैं पहले भी यूज़ करती हूँ, तो मतलब वो जो कपड़ा होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत जल्दी ख़राब होने वाला, अगर एक भी छोटा सा भी छेद हो गया तो कपड़ा गया सारा का सारा। बट ये कॉटन जो होता है, कॉटन हमारा बहुत मतलब टाइम तक चलता है, तो ये अच्छा लग रहा है। ये भी, ये शायद 150 का है, ये उन्होंने मुझे बताया था, ये प्रिंटेड है, ये 150 का है। इसे मैं शायद, मुझे लगता है कि टॉप के साथ भी पहन सकती हूँ, अच्छा लग रहा है ये भी मुझे, या फिर ब्लैक कुर्ते के साथ, ब्लैक के साथ भी अच्छा लगेगा, हाँ रेड के साथ भी पहन सकते हैं, ऐसे मिक्स मैच करके किसी के साथ भी पहन सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा कतरिन मार्केट का हॉल। तो आप बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट्स में कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं बाकी, मैं एड्रेस जो है वो मेंशन कर दूंगी, उन्होंने कहाँ कहाँ से लिया ये मुझे पर्टिकुलरली नहीं पता है, मोस्टली उन्होंने मुझे बताया था कि जो उन्होंने थान में से कटवा के लिया है वो किसी शॉप से लिया है, बाकी जो उन्होंने वो मतलब पीस, कट पीस लिया वो ऐसे किसी नॉर्मल सी जगह से लिया था, जैसे वो एक तरह से रेड़ी लगा के नीचे लगा के बैठे होते हैं ना, तो वैसे किसी जगह से लिया था। और ये प्लाजो वगैरह वहाँ पे आराम से टंगे रहते हैं, आपको कहीं भी मिल जाएंगे कुर्ते और प्लाजो, तो आप भी जाइएगा, ज़रूर जाइएगा, मैं नीचे एड्रेस भी बता दूंगी कहाँ पे है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ना तो कमेंट भी ज़रूर करके जाइएगा। तो थैंक यू।